तो फ्रेंड्स, ये जो मैं प्लांट दिखा रहा हूँ ये फाइकस रिलिजियोसा का प्लांट है और ये बोंजाई का प्लांट है, पीपल बोंजाई का, और हमने लगभग 3 साल से इसको तैयार कर रहे हैं। आज ये जो इसका अपडेट मैं दिखा रहा हूँ ये पार्ट 3rd है, और सेकंड और फर्स्ट मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर चुका है, उसका लिंक मैं आई बटन में शेयर कर रहा हूँ और एंड स्क्रीन पर भी शेयर कर रहा हूँ, तो उसको देख के आप पिछला वीडियो उसमें आप देख सकते हैं और कि हमने इसको कैसे बनाया है। और ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये पत्थर को भी हमने अपने हाथों से बनाया है, तो आज इस पर हम वर्क करेंगे और ये लास्ट वर्क है हमारा, आज इसका ओपन कर रहे हैं। इसमें हमने ये पॉलीथीन को लपेट के रखा हुआ था और फर्स्ट सेकंड स्टेज में हमने ऊपर के पॉलीथीन को धीरे धीरे हटा रहे थे, अभी इसको हम छोड़ रखे थे, अब लास्ट में सबको निकालेंगे क्योंकि अभी बरसात का दिन है और बरसात के दिन में डर नहीं रहता है पौधे का मरने का, तो चांसेस बहुत कम है और सारा रूट डेवलप कर चुका है। अभी हम खोल के देखने में पता चलेगा कि रूट कितना इसमें डेवलप हो चुका है, तो धीरे धीरे हम ओपन कर रहे हैं और सारे मिट्टी को धीरे धीरे हम हटाएंगे, तो धीरे धीरे निकालना पड़ता है सारे पॉलीथीन से जो हम कवर किए थे। सेकंड पार्ट में हम कुछ हिस्सा पॉलीथीन को हटाए थे, अभी सबको हटा रहे हैं और सपोर्टिंग के लिए हम इसमें धागा बांध रखे हुए थे रस्सी, उसको भी हम धीरे धीरे निकाल रहे हैं। और बहुत ही आहिस्ता से निकालिएगा कि उसको उसके जो जड़ है ना उसको नुकसान ना पहुंचे, ऐसे हम धीरे धीरे निकाल रहे हैं। और ये सारा काम बरसात के दिनों में ज़्यादा सूटेबल होता है एक बोंजाई पौधा के लिए, और बहुत सारे जड़ तो नीचे पहुंच चुके हैं तो अब ये आसानी से सरवाइव कर जाएगा। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने इसको पॉलीथीन से कवर करके क्यों रखा था, इसलिए रखे थे कि पॉलीथीन से कवर कर रखने से मॉइस्चर सही मिलता है और उसका जड़ खराब नहीं होता है और तेज़ी से ग्रोथ करता है। अब हम आप देख रहे हैं कि सारे जड़ को हम कैसे फंसा रखे थे, और ये जो बोंसाई का जो स्टाइल हमने दिखा रहा है ये रूट और रॉक स्टाइल है, रूट और रॉक बोंसाई। जनरली आप देखेंगे जब नेचर में आपको ऐसा स्टाइल देखने को मिलेगा पहाड़ों पे, जब एक पेड़ पहाड़ के पत्थरों में जब लग जाता है पत्थर में, तो वो मिट्टी की खोज में अपने जड़ को नीचे की ओर उतारता है। यही हमने छोटे से परिदृश्य में आपको दिखाने की कोशिश किया है। और अभी तक इसका जड़ नीचे पहुंच नहीं पाया है, तो हम इसमें स्फेग्नम मॉस, कोकोपीट और मिट्टी मिला के इसको फिर से नमी देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जड़ नीचे की ओर उतर जाए। तो समय बहुत लगता है बोंसाई बनाने में, सालों लग जाता है, इसलिए मैं धीरे धीरे सारा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप हमारे चैनल में ज़रूर बने रहें, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहता हूँ ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे नए वीडियो का, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमारे चैनल में पहले से सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो चैनल में बने रहें और हमेशा हमारा वीडियो देखते रहें, जिससे नए नए जानकारी आप लोग को मिलता रहेगा। अभी तो इसका प्रूनिंग करने का समय नहीं है, मैं पहले कर चुका हूँ, इसलिए अभी प्रून हम करेंगे नहीं, पत्ती कटिंग नहीं करेंगे। पत्ती कटिंग करने का कारण ये होता है कि इसका पत्ती का साइज छोटा आता है, तो बीच बीच में हम प्रून करते रहते हैं। अभी हम नमी के लिए इसमें स्प्रे डाल रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं ताकि जड़ नमी रहे, जड़ को नमी प्रदान मिलता रहे, ठंडकता मिलता रहे। और ये ठंडकता के लिए ही मैंने ओरिजिनल पत्थर नहीं रखा है, ये हाथों से बनाया पत्थर है ताकि ये पानी को एब्जॉर्ब करके रखे और नमी बना के रखे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल में आप बने रहें, थैंक यू।